रात का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जामनगर के लोगों में गजब का उत्साह था। वो पीएम का स्वागत करने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। उनकी ये दीवानगी देखते ही बन रही थी। उनका काफिला जहां से भी गुजर रहा था, हर तरफ से मोदी मोदी का नारा ही गूंज रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री का ये दूसरा गुजरात दौरा है, जहां वो आज भी बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जामनगर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला शहर में दाखिल हुआ। पीएम मोदी का काफिला सर्किट हाउस के लिए निकला, जहां उन्हें रात्रि विश्राम करना था। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस जाते वक्त सड़कों पर दोनों तरफ प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए हजारों लोग खड़े थे। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री भी कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे थे। भव्य स्वागत के साथ शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र के देवभूमि, द्वारका और राजकोट जिलों में होने वाले 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी वहां से गुजरात समेत देश भर में 52,250 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज दौरे की शुरुआत द्वारका से करेंगे, जहां वो बेयत द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में तकरीबन 980 करोड़ रुपए की लागत से बने ओखा मुख्य भूमि और बेयत द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज है, जो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। सुदर्शन सेतु का डिजाइन बेहद खास है, जिसके दोनों तरफ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदल पथ है। पैदल पथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सुदर्शन सेतु देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटक केंद्र बनने जा रहा है। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जिसके तहत वाडिनार में पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वो राजकोट ओखा राजकोट जेतलसर सोमनाथ और जेतलसर वांसजालिया रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के चौड़ीकरण की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सिक्का थर्मल पावर स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। द्वारका के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजकोट पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे एम्स राजकोट का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 पर राजकोट के रेस कोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम जिन परियोजना का लोकार्पण करेंगे, उनमें स्वास्थ्य, सड़क और रेल, ऊर्जा और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद गुजरात को आज पहला एम्स मिलेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।